गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। हम आपको बताएंगे दैट व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की क्या स्ट्रक्चर है विद द सिंपल डायग्राम। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे द लार्ज इंटेस्टाइन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एंड अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, the large intestine, this is the part which is having the length approximately 1.5 meters, but this is much wider as compared to the small intestine। dekhi naam humne small intestine zarur rakha hai, magar small intestine ka matlab hai ki uski width kam hai magar lambai kahin zyada hai, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 meters। और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, नाम लार्ज है मगर इसका साइज स्मॉल है, 1.5 meters ओनली। देयरफॉर वी कैन से स्मॉल मीन्स 6.5 meters, लार्ज मीन्स ओनली 1.5 meters। लार्ज इज मच वाइडर एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब आगे हम आपको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंपल डायग्राम जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। देखिए, दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज 1.5 मीटर्स इन लेंथ। इट हैज द फोर इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने लार्ज इंटेस्टाइन के चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें दिखाए हैं। वन इज द पार्ट विच इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एक ऐसा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जो ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द असेंडिंग कोलोन, हैविंग द लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर्स। फिर उसके बाद ये पार्ट आगे जा करके ये पैरेलल आ जाता है, और जिस पॉइंट पर ये पैरेलल आता है दैट इज कॉल्ड एज द हेपेटिक फ्लेक्सर, उसको हम हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। हेपेटिक फ्लेक्सर के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट इट बिकम्स ट्रांसवर्स और पैरेलल, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स कोलोन विद ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। और ये पार्ट आगे चलने के बाद देन अगेन इट मेक्स ए बेंड और ये नीचे की तरफ मुड़ता है, विच इज कॉल्ड एज द स्प्लेनिक फ्लेक्सर, दैट मीन्स इज वेरी क्लोज टू द स्प्लीन। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है स्प्लीन, ये स्प्लीन के नज़दीक पाया जाता है, और यहाँ पर ये एक कर बनाकर सीधा नीचे की तरफ उतरता है। दिस इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग का मतलब है किसी चीज़ का नीचे उतरना, उसी बेस पर इसका नाम दिया गया है डिसेंडिंग कोलोन विद ए लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर्स। देन अगेन इट बिकम्स द पैरेलल, और फिर ये नीचे जाके फिर ये कुछ पैरेलल ट्रांसवर्सली बन जाता है, विच इज कॉल्ड एज द सिग्मॉइड कोलोन। और ये सिग्मॉइड कोलोन जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर्स है। द नेक्स्ट पार्ट इज द रेक्टम एंड देन इज द एनस, ये हमने आपको डायग्राम में दिखाया है। नाउ वी शैल डिस्कस इन डिटेल। देखिएगा, the large intestine with a length of 1.5 meters and the large intestine which has the following parts, ye parts jo abhi aapko humne diagram mein dikhaye hain ye humne yahan par likhe hue hain, cecum and appendix। so what is the cecum and appendix, dekhiyega। pehla part hamari small intestine jahan par लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलती है, देर इज प्रेजेंट द पार्ट विच इज कॉल्ड एज द सीकम, उसे हम सीकम कहते हैं, विच इज ए स्मॉल पार्ट, विच इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर और विद द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, जिसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर पाई जाती है। नाउ एट द इलियोसीकल जंक्शन, दैट मीन्स जहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये सीकम का पार्ट आपस में मिलते हैं, एट द इलियोसीकल जंक्शन देर इज प्रेजेंट ए स्मॉल
ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर विच इज द क्लोज्ड ट्यूब कॉल्ड एज द अपेंडिक्स, जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है इन कॉमन वर्ड, वी ऑल्सो कॉल इट एज द ब्लाइंड ट्यूब, हम इसे ब्लाइंड ट्यूब भी कहते हैं, जिसको आप हिंदी में अंध नाल भी कहते हैं। दैट मीन्स ये कोई भी डाइजेशन में अपना रोल पार्टिसिपेट नहीं करते और ये एक साइड पर रहती है। एंड दिस इज नॉट द फिक्स्ड पार्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारा अपेंडिक्स इज नॉट द फिक्स्ड पार्ट, दिस इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इन द एब्डोमिनल रीजन। अब चलिएगा द नेक्स्ट पार्ट पर, द अपेंडिक्स जिसकी लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड द कोलोन, colon, इट हैज द 4 पार्ट। नंबर 1 इज द असेंडिंग कोलोन, जैसे कि हमने डायग्राम में आपको दिखाया कि जो पार्ट ऊपर की तरफ मूव करता है दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग कोलोन विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर। देन दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स कोलोन, ये असेंडिंग कोलोन आगे जा कर के मुड़ता है और मुड़ने के बाद हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं जिस पॉइंट पर ये मुड़ करके और ट्रांसवर्स पार्ट बनाता है, पैरेलल पार्ट ट्रांसवर्स कोलोन विद ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर मीन्स एक एंगल बनाकर सीधा नीचे उतरता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कॉल्ड एज द डिसेंडिंग कोलोन विद ए लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, जैसा कि डायग्राम में भी हमने आपको दिखाया है। देन इट मेक्स द सिग्मॉइड कोलोन विद ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। और हमने लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई हैं विच आर कॉल्ड एज द एपीप्लोइक अपेंडेजेस। सो व्हाट आर दीज एपीप्लोइक अपेंडेजेस? दीज आर फैट फिल्ड पाउचेस प्रेजेंट इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, देयर फंक्शन इज अननोन, क्योंकि इनका कोई ऐसा डेफिनेट फंक्शन नहीं पाया गया है, बट दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि the lower dilated part का मतलब है नीचे का फैला हुआ भाग, दिस इज कॉल्ड एज द रेक्टम, और रेक्टम विच इज हैविंग द लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द फीकल मैटर और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए ये पार्ट डिजाइंड है, जहाँ पर रेक्टम के अंदर बिना पचाया गया पार्ट और द फीकल मैटर वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड टेम्पररीली इन द रेक्टम। एंड द रेक्टम के बाद देयर इज प्रेजेंट द एनल कैनाल, द एनल कैनाल दिस इज 3.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये देखिएगा एनल कैनाल इज 3.8 सेंटीमीटर इन लेंथ विच कंटेन्स द स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स का मतलब है मांसपेशियां, ऐसी मांसपेशियां जो किसी चीज़ को कंट्रोल करके रखती हैं, और ये स्फिंक्टर्स ये क्लोज करने की, इनको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे हैव दिस प्रॉपर्टी, देयरफॉर ड्यूरिंग पासिंग आउट द फीकल मटेरियल वेस्ट मटेरियल को पास आउट करते समय ये इनका क्लोजिंग ओपनिंग मैकेनिज्म चलता है। एंड द लास्ट पार्ट इज द एनस विच इज द पॉजिटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम कहते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पॉजिटीरियर ओपनिंग है। द एंटीरियर ओपनिंग, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, द एंटीरियर पार्ट एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज द माउथ एंड द पॉजिटीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड एज द एनस। सो इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लेट अस कम दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन। देखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में ना ही कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है, ना ही इसके अंदर कोई डाइजेशन का या कोई ऐसा काम होता है कि ये
फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर सके या कोई भी डाइजेशन में मदद कर सके। सिंपली दी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पासिस इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो आ जाता है एंड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दी सॉल्यूट्स एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दी लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को रेक्टम के अंदर स्टोरेज करके बॉडी से बाहर कर देती है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।